हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। गाइज, फरार समझी बोले तो एक ऐसे राइटर है, मतलब कि इनका नाम सुनते ही ना फिल्मी फैंस है ना, जो मूवी देखते हैं थिएटर में जाके, उनका ना होश उड़ जाता है। क्योंकि ये ऐसे डायलॉग लिखते हैं, ऐसी कहानी लिखते हैं कि लोग इनके मतलब कि भरोसे रहते ही नहीं। मतलब कि इनका जब भी जो फिल्म के साथ नाम जुड़ जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब कि जहाँ पे मूवी को लेके 100% में से कम 80% चांस होती है मूवी को हिट होने का ना, लेकिन फरार समझी का नाम सुनते ही ना वो परसेंट एकदम नीचे घट के आ जाती है। जैसे कि 100 में से 40% 30% आ जाती है। तो गाइज बोले तो सूर्यवंशी, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से कि फरार समझी तो डायलॉग तो लिखे ही हैं सूर्यवंशी की, लेकिन स्टोरी को भी पता चल रहा है दोस्तों कि सूर्यवंशी की स्टोरी जो कहानी है उसकी वो राइट किए हैं हमारे फरार समझी। जी हाँ दोस्तों, अगर रियल में ये फरार समझी ने कहानी लिखी है तो वाह यार, ये तो स्क्रीन पे ही मालूम चलेगा देखने के बाद। ऐसे तो मूवी ट्रेलर देख के ही बमफार लग रही है, लेकिन आपको बता दूं कि फरार समझी को लेके लोग अभी से ही नेगेटिव करने लगे हैं, क्योंकि जब से मालूम चला कि सूर्यवंशी का राइटर बोले तो एक तो डायलॉग लिखे उन्होंने और ऊपर से ये स्टोरी कहानी लिखे हैं मूवी का, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव अभी से स्टार्ट हो चुकी है सूर्यवंशी के खिलाफ दोस्तों। लेकिन खैर, मूवी के अंदर अजय अक्षय एंड रणवीर है, तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन सुपरस्टार ना मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देगी। क्योंकि हाउसफुल 4 भी फरार समझी सर ने ही लिखा था यार, लेकिन अक्षय कुमार का पावर था जो 200 करोड़ कमा लिया। वैसे नेगेटिविटी तो होती है फरार समझी के खिलाफ, बहुत होती है, क्योंकि वो थोड़े कहीं ना कहीं चूक हो जाते हैं राइट डायलॉग का, जो लिखते हैं ना डायलॉग उसमें कहीं ना कहीं वो चूक हो जाते हैं और कहानी भी कुछ खास नहीं लिख पाते हैं। तो गाइस, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं, जो कि सूर्यवंशी का अगर रियल में डायलॉग के साथ से अगर ये कहानी भी फरार समझी ने लिखी है तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो नेगेटिविटी होना तय है। क्योंकि जब भी कोई मूवी के साथ फरार समझी का नाम जुड़ जाता है, वो मूवी समझो कि नम नेगेटिविटी के खिलाफ बोले तो ट्रोल होने स्टार्ट हो जाता है वो मूवी। तो बस भाई, इतना ही बोलूँगा कि क्या आप लोगों की क्या राय, फरार समझी कितना खरे उतरेंगे स्टोरी को लेकर, क्योंकि स्टोरी तो पता चलेगा पूरी मूवी देखने के बाद ही। तो बस भाई, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।